सो जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि जॉन मॉक्सली यानी डीन एम्ब्रोस रॉयल रंबल में आएंगे, उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। लेकिन फिर भी बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस आ सकते हैं रॉयल रंबल 2022 की रॉयल रंबल मैचेस में। सो यस, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं रोमन रेंस का आपको सरप्राइज थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर ऐसा होता है कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से हार जाते अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो वो तब के तब ही रॉयल रंबल मैच में आ सकते हैं। बहुत ही कम चांस है ऐसा होने का कि रोमन रेंस चैंपियनशिप रिटेन कर लेगी, लेकिन हमने पहले भी उनको दो दो मैचेस लड़ते हुए देखा है रॉयल रंबल पर। नेक्स्ट रिटर्न की हम बात कर ले, मेरा दिल चाहता है भाई फीड वापस आ जाए। अगर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा दोबारा WWE देखने के लिए, तो फीड का रिटर्न वो मुझे कर सकता है। मुझे भाई चाहिए ये वाला रिटर्न। लेट्स सी अगर ये रिटर्न होता है। नेक्स्ट सरप्राइज हमें ये मिल सकता है कि कोरी ग्रेव के साथ साथ हमें पैट मैकैफे का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है इन रिंग। पैट मैकैफे की कमेंट्री के साथ साथ काफी अच्छा उनका इन रिंग वर्क है। सो लेट्स सी क्या पैट मैकैफे एंड कोरी ग्रेव्स भी आते हैं। नेक्स्ट गाइस, जो रूमर्ड सरप्राइज है रॉयल रंबल मैच के लिए वो है जॉन सिना का। आपको पता है जॉन सिना कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। मनी इन द बैंक पर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी आ गए थे। तो रॉयल रंबल पर वो पहले भी ऐसे सरप्राइजेस दे चुके हैं। जॉन सिना को वापस लड़ते हुए देखने में काफी मजा आएगा। नेक्स्ट सरप्राइज है कर्ट एंगल का। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप समझ रहे होंगे, लेकिन आई थिंक कर्ट एंगल का रिटर्न एक आखिरी रिटर्न हो सकता है रेसलमेनिया पर, कर्ट एंगल वर्सेस ब्रोक लेसनर, कि हमें राइवलरी एक बार और देखने को मिल सकती है रेसलमेनिया पर। इनका बहुत ही पुराना रिश्ता रह चुका है। एंड नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज्यादा आसार है होने के, राउंडा राउजी का पार्ट टाइम रिटर्न, जो कि रेसलमेनिया पर एक मैच दिला सकता है उनको बैकी लिंच के साथ वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में। ये वाला रिटर्न हो सकता है एंड काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस मैच में कि राउंडा राउजी रिटर्न करेगी अपना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गोल्डबर्ग की। एलिमिनेशन चेंबर है नेक्स्ट पेपरव्यू, जो कि सऊदी अरेबिया में होगा। सो उसके लिए आसार ये लगाए जा रहे हैं कि गोल्डबर्ग का रिटर्न हो सकता है। हालांकि वो रॉयल रंबल जीतेंगे या फिर नहीं, क्योंकि WWE एंड विंस मैकमैन कुछ भी करवा देते, आपको पता है फीड हारे थे गोल्डबर्ग से सऊदी अरेबिया के शो पर। गाइस आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप कौन सा सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हो रॉयल रंबल पर, कमेंट्स में जरूर बताना। यहां तक आगे सब्सक्राइब मार देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।